Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the science of 6th standard. Chapter 1st, sources of food. Yesterday we have studied about the on the basis of their food habits. We have divided the animals in 3 categories: herbivores, carnivores and omnivores. Now we will explain some other things. स्केवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी? स्केवेंजर्स और डीकम्पोजर्स, ये भी आपकी फीडिंग हैबिट है और उसके अकॉर्डिंग द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एंड डीकेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्केवेंजर्स. वो एनिमल जो कि डेड और डीकेइंग मतलब मरे हुए सड़े हुए जानवरों को खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं. मीन्स फीडिंग हैबिट क्या हो गई उनकी कि वो जो सड़ा गला मांस खाते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द स्केवेंजर्स. जैसे आपका एग्जांपल है जैकल, हाइना, वल्चर, इनका काम ही सड़े गले चीजें खाना. दूसरा आता है आपका डीकम्पोजर्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो क्या थे? सड़े गले. वो मरे हुए तो थे लेकिन सड़ गए थे उसके बाद. ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज देम, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं एकदम से. समझ में ना? कई बार आपने देखा होगा जैसे केले का छिलका आपने गिरा दिया. हम लोग क्या करते हैं कि सफाई करते हैं तो केले के छिलके को बाहर फेंकते हैं. अगर कभी बाहर वाली जगह के ऊपर जहां आपने एक दिन केले का छिलका गिराया था, 2-3 दिन तक उसे वॉच करिए, वो काला पड़ेगा, मुरझाएगा, अगले दिन वो और काला पड़ जाएगा, अल्टीमेटली 2-4 दिन में आपको क्या करेगा, वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा, काला काला हो जाएगा और आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये केले का छिलका था. ठीक है ना? मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है आपको. तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डीकम्पोज देम आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स. जैसे आपका एग्जाम्पल है फंगी और बैक्टीरिया. हम लोग अपने खाने को सेफ रखते हैं कैसे? ढक के. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया उस पर एक्शन करते हैं. अगर हम उसको मॉइस्चर में रख देते हैं ज्यादा तो फंगी उस पर डेवलप हो जाती है. एक्चुअली स्केवेंजर्स और डीकम्पोजर्स क्या है? वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली. क्यों? क्योंकि अगर सपोज करिए एक जानवर मर गया और उसको पूरा का पूरा, जब एक इंसान मर जाता है तो हम लोग अपने आप उसे मतलब जैसे अपने धर्म के अकॉर्डिंग हम लोग उसका फ्यूनरल कर देते हैं. कहीं कोई कब्र में दफनाता है और कोई उसको आग के सुपुर्द कर देता है तो मिट्टी बन जाती है कुल मिला के. लेकिन यहाँ पर अगर कोई जानवर मर गया कौन उसको करने वाला है? सब लोग मुंह फेर के चल जाते हैं. लेकिन ये बेचारे स्केवेंजर्स और डिकम्पोजर्स ही है, वो उसको डिकम्पोज करके वापस मिट्टी में मिला देते हैं. और ये मिट्टी, ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ये जो उसको पूरा मिट्टी बना देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, वो सारा एक ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है और उसको हमारा सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है वापस नए प्लांट उगाने के लिए. नाउ कम टू द फूड चेन. अब क्या है, हम लोग आते हैं फूड चेन. यू नो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बट ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन यूज दिस एनर्जी. केवल ग्रीन प्लांट्स ही इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज द क्लोरोफिल. वी डोंट हैव क्लोरोफिल, एनिमल्स डोंट हैव क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वी कैन नॉट मेक आवर फूड. और क्यों? क्योंकि हमारे पास में तो क्लोरोफिल है नहीं, इसलिए हम जो सन से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए वो एक यूजलेस हो जाता है. बट प्लांट्स कैन यूज दिस अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सन की जो एनर्जी होती है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज दे कंटेन द क्लोरोफिल. विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे प्रोसेस द फोटोसिंथेसिस एंड मेक द फूड. ऑल एनिमल्स जो होते हैं, अब आपका देखिए, जो हर एनिमल होता है वो दूसरे के द्वारा खाया जाता है. जैसे आपने देखा है समुन्द्र के अंदर छोटी मछली होती है उसको बड़ी मछली खा जाती है, बड़ी मछली को उससे बड़ी खा जाती है, और इस तरह से एक प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है. आपका जो ग्रास होती है उसको कौन खाता है? ग्रास हॉपर खा जाता है. ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को स्नेक खा गया, स्नेक को ईगल खा गया, एक चेन चलती रहती है. यानी कि ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, सारे जानवर चाहे वो हर्बीवोर्स हो कार्निवोर्स हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड फॉर द फूड
No. This feeding relation among organism, ये जो एक खाने का रिलेशन है सारे ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि जितने भी एनिमल्स है, ऑल एनिमल्स वेदर दे आर हर्बीवोर और कार्निवोर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड फॉर फूड, एंड दिस फीडिंग रिलेशनशिप अपॉन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द फूड चेन. इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हाट इज द फूड चेन. फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक टूगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बींग ईटन फॉर फूड. यानी कि एक ऐसी सीरीज ऑर्गेनिज्म की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ पूरी तरह से लिंक हो जाता है. किसके अंदर? ईटिंग, खाने का प्रोसेस, और बीइंग ईटन मतलब आपने खाया, आपको कोई और खा गया. समझ में आया ना? मतलब एक का दुश्मन एक. बड़ा जानवर छोटे को खाता है, बड़े को उससे बड़ा खाता है. हम भी क्लास में क्या करते हैं? क्लास के अंदर जो बेचारा कमजोर होता है ना, उस पर ताकतवर बच्चा अपना रौब मारता है. अगर कोई ताकतवर है उससे पहले ही दूर भाग जाते हैं, तो एक रॉब मारने वाली चेन हो गई आपकी. लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं फूड चेन की. तो फूड चेन में क्या हो जाएगा कि एक जो होता है दूसरे को खाता है. अब इसके अंदर आप देखिए ग्रास, ग्रास आपका क्या है? प्रोड्यूसर. आपकी ग्रास क्या हो गई? प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूस हो गई ग्रीन प्लांट्स ना. उसके बाद में ग्रास हॉपर क्या हो गया भाई आपका? ग्रास हॉपर ने क्या किया? इस घास को खा लिया, यानी कि ये हो गया आपका कंज्यूमर. लेकिन हर्बीवोर्स क्या हो गया? ये हर्बीवोर्स, ये आपका कंज्यूमर है लेकिन हर्बीवोर्स है. फ्रॉग है, फ्रॉग कौन हो गया? ग्रास हॉपर को खा गया फ्रॉग. फ्रॉग कौन हो गया? कार्निवोर्स हो गया आपका. और फ्रॉग को खा गया स्नेक, स्नेक भी आपका कार्निवोर है. उसको खा गया कौन? ईगल, ईगल भी आपका कार्निवोर है. यानी कि इस तरह से एक चेन बनती रहती है और इसको हम कहते हैं फूड चेन. अब आता है फूड प्रॉब्लम. एक्चुअली आवर कंट्री, इन आवर कंट्री मैनी पीपल्स कैन नॉट गेट देयर फूड. बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो उनको पूरा खाना नहीं मिलता है, दो टाइम की रोटी उनको नहीं मिलती होती है. और क्यों नहीं होती है? नंबर वन, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, फूड सफिशियंट अमाउंट में नहीं. तो मीन्स पहला नंबर आपका क्या हो गया? शॉर्टेज ऑफ फूड. नंबर टू, बहुत सारी चीजें मार्केट में मिल रही है बट यू कैन नॉट परचेज इट. आप नहीं परचेज करते बिकॉज यू डोंट हैव मनी. ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण पीपुल कैन नॉट परचेज देयर फूड. अपना भोजन वो खरीद नहीं सकते हैं. दूसरा एक कारण हो गया. समझ में है ना? द फूड प्रॉब्लम इज इन अवर कंट्री कैन बी सॉल्व. अब इस फूड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करनी है क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक भी इंसान भूखा सोए. तो दो कारण है. पहली बात की प्रोडक्शन नहीं है हमारे पास, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है. और दूसरा कारण है कि अगर है तो हम लोग गरीबी के कारण नहीं खरीद सकते. उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? थ्री मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर वन, वी शुड ग्रो फूड मोर एंड मोर By using modern techniques of agriculture. Agriculture की modern techniques का इस्तेमाल हमें करना है और ज्यादा से ज्यादा हमको फसल उगानी है. Number टू, we should store our food grains properly. कई बार देखिए जब आप किसान आपका बनाता है तो उसको चूहे खा जाते हैं, कभी उसमें फफूंद लग जाती है, इंसेक्ट खा जाते हैं. तो we should store our food grains properly so that we can consume it. ताकि हम उसको अच्छी तरह से यूज कर सकें. तो स्टोर बहुत अच्छी तरह करिए. और तीसरा, वी शुड नॉट वेस्ट आवर फूड इन एनी वे. किसी भी तरीके से हमको खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए. आज आप देखिए जब शादी के अंदर जाते हैं तो लोग बात क्या करते हैं, पूरे प्लेट में उतना सारा खाना ले लेते हैं, उसे वो चाहे खा सके या ना खा सके. तो हम लोग क्या होता है, जनरली नेचर होती है हमारे घर का खाना थोड़ी है, आराम से खाओ. नहीं नहीं, खाइए आप आराम से, डेफिनेटली आराम से खाइए और खाने ही जाते हैं आप. लेकिन ये सोचिए कि वो देश, वो अनाज उनका नहीं है, आपका नहीं है. वो एक किसान है जिसने रात दिन मेहनत करी है. आपकी छोड़ी गई थाली में से कई लोग अपना पेट भर सकते हैं. तो कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेदर यू आर सिटिंग इन योर हाउस और यू आर इन अ मैरिज पार्टी और अदर पर्सन्स हाउस. यानी आप कहीं भी खड़े हो, याद रखिए बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है. अगर किसी को देना है तो आप अछूता दो ना, उसको प्रॉपर दो. जरूरी है हम अपना झूठा खाना दें, ठीक है ना? तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर फूड इन एनी वे. अब आपका क्या करना है? डिफाइन
स्केवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। आज का आपका होमवर्क ये हो जाएगा कि डिफाइन स्केवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स, आप उसको डिफाइन करेंगे। अब अपन करते हैं क्वेश्चन आंसर। बेटा जी एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कहती हूँ, व्हेन एवर आई एम टीचिंग एवरी स्टूडेंट शुड ओपन द बुक विथ पेन एंड पेंसिल, पेन पेंसिल एंड योर नोटबुक। आपकी नोटबुक आपके पास में होना चाहिए, बुक होनी चाहिए ताकि आप कर सकते हो, वरना मैंने समझाया जब तक समझोगे बाद में बिल्कुल क्लियर है ना। तो एक्सरसाइज अगर अपन करते हैं इसके अंदर कि विच फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्या नहीं बनाया जा सकता है। देखिए बटर चीज और कर्ड यानी कि दही चीज बटर ये सब चीजें तो मिल्क से बनती है, लेकिन ऑयल नहीं बनता है, तो ऑयल पे आंसर लगाइए आप। सेकेंड आपका क्वेश्चन है द डैश इन इज एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट, पोटैटो में आप क्या खाते हैं, पोटैटो कोई लीफ नहीं है, रूट नहीं है आपका और फ्रूट भी नहीं है, तो इसीलिए वो सब क्या बचता है आपके पास में, पोटैटो इज अ स्टेम। थर्ड नंबर आता है वी कैन स्प्राउट सीड्स इन, है ना हम लोग जोड़ते हैं वो सीड्स को स्प्राउट करते हैं। एज यू नो हमने जब स्प्राउटिंग बताया था आपको तो क्या बताया था, जो हमने ग्राम सीड्स लिए थे हमें वी सोक द ओवरनाइट इन वाटर, तो हमने क्या इस्तेमाल किया था, वाटर का इस्तेमाल किया था। उसके बाद में आ जाता है द स्प्राउटेड सीड कंटेंस, क्या होता है भाई स्प्राउटेड सीड्स में, कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन वाटर नहीं, उसके अंदर सबसे ज्यादा होता है विटामिन, जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें विटामिन बहुत अच्छा होता है। नंबर फाइव द एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल प्लांट इज, एप्पल आपको मालूम है पेड़ पे लगता है, फूल से बनता है, तो क्या हो गया आपका एप्पल कौन सा है, फ्रूट है। सिक्स नंबर पर आता है वी ईट रूट ऑफ, हम लोग जो होते हैं जड़ खाते हैं, किसकी खाते हैं बेटा, हम लोग रेडिश की जड़ खाते हैं, वी ईट रूट ऑफ रेडिश। सेवेंथ नंबर पे ये द कलर ऑफ द स्ट्रक्चर ग्रोन आउट फ्रॉम द स्प्राउटेड सीड्स, जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं उसमें से छोटे छोटे मैंने आपको क्या निकाला था कि कुछ आउटग्रोथ निकलती है, उसका कलर क्या बताया था, मैंने बताया था व्हाइट कलर होता है, तो व्हाइट विल बी योर आंसर। सेवन क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड, नाउ कम टू द मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग आप इसके अंदर देखिए हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर आपका कौन सा है, ये दो नंबर वाली जो भेड़ दिखाई दे रही है वो आपका हर्बीवोर्स है। अब आता है कार्निवोर्स, ये लॉयन आपका डेफिनेटली कार्निवोर है, तो फोर लगाइए, हर्बीवोर के आगे आपने टू लगा दिया। अब आता है थर्ड नंबर ओमनीवोर, ओमनीवोर के अंदर नंबर वन जो आपको बियर दिख रहा है दैट इज द ओमनीवोर, और नंबर फोर आता है आपका स्केवेंजर, स्केवेंजर कौन सा है, ये जो ईगल आपको दिखाई दे रहा है थर्ड नंबर पे वो आपका स्केवेंजर है, यानी कि थर्ड लगाइए। नाउ कम फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, शुगर केन तो आप लिख सकते हैं एस यू जी ए आर सी ए एन ई, हमको शुगर कहां से मिलता है, शुगर केन से। सेकेंड वन है आपका वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज एंड बफेलो, तो आप यहां पे लिखिए काउज एंड बफेलो, काउज और बफेलो पे आ गए। थर्ड वन आपका देखिए हनी बीज स्टोर हनी इन देयर, जो मधुमक्खियां होती है वो अपना शहद किस में करती है, छत्ते में, छत्ते के लिए कौन सा होता है एच आई ई वी ई हाइव, हाइव सॉरी एच आई वी ई वी एस, ये आपका हाइव हो गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका डैश एंड डैश आर टू इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉइल्ड राइस, अच्छा इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, आया और Already told you that ingredients means वो part जिसके द्वारा किसी recipe को हम बनाते हैं, तो यानी कि अगर आपको क्या बनाना है यहाँ पर चावल उबालने हैं तो आपको क्या चाहिए rice and water, तो यहाँ पे आ जाइए आप rice and water। Now come on the fifth, fifth आपका क्या कह रहा है animals that eat both plant product एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कोल, जो प्लांट भी खाए और फ्लैश भी खाए सब कुछ ओमनीवोर्स, ओ एम एन आई वी ओ आर ई एस ओमनीवोर्स। नंबर सिक्स पे आ जाइए आप कि बैक्टीरिया एंड फंगी आर कोल, मैंने आपको अभी अभी बताया था बैक्टीरिया और फंगी क्या होता है, दे आर द डिकम्पोजर्स,
कौन है वो? डीकम्पोजर्स हैं। उसके बाद में सेवेंथ, वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे। हमको क्या वेस्ट नहीं करना चाहिए भाई? फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फूड का क्या आ जाएगा? वेस्ट। वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे। अच्छा, एट है आपका, हनी बीज आर कैप्ट इन फॉर रियरिंग। जब हनी बीज को हम पालते हैं तो क्या कहलाता है वो? अपाइरीज, ए पी आई ए पी आई ए आर आई ई एस, अपाइरीज फॉर रियरिंग। हनी बीज को जो होता है कैप्ट करते हैं और किस में रखते हैं? लकड़ी के चौकोर बॉक्स होते हैं, उसके अंदर रखा जाता है। इसके लिए आ जाएगा अपाइरीज। इज इट क्लियर? डू द होमवर्क, डिफाइन स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। उसके अलावा वॉट एवर आई टीच टूडे यू हैव टू लर्न। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट विद मी। ओके, लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो। थैंक यू।